और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है TDS। TDS की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड XOR। क्या होती है TDS की फुल फॉर्म? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS में कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? TDS का जो फॉर्म होता है वो होता है 16A। TDS के फॉर्म का नाम क्या होता है? 16A। TDS का यूज किस लिए किया जाता है? जब किसी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले को पेमेंट किया जाता है, या फिर पेमेंट करने वाले व्यक्ति या संस्था को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनकम में से कुछ टैक्स की कटौती करता है। जो टैक्स की कटौती होती है उसे हम क्या कहते हैं? TDS। जो TDS होता है, जो टैक्स की कटौती की गई है, वो क्या है? एक इनकम और एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है? फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अनुसार टैक्स डिपार्टमेंट में, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें होता है डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या है, पेमेंट करने वालों को, जो पेमेंट कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? डिड्यूकेटर। और सर्विस प्रोवाइड करने वालों को डिड्यूकेट करता है। डिड्यूकेटर किसको कहा जाता है? पेमेंट करने वालों को। और सर्विस प्रोवाइड करने वालों को क्या कहा जाता है? डिड्यूकेट। इसके बाद जो पेमेंट करने वाले हैं उनके द्वारा जो TDS का क्या है, TDS की जो सर्विस हो गया है, उन जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसको TDS की, उनको क्या होता है? एक TDS का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है? जो क्या करता है, वर्ष के लास्ट में, मतलब साल के एंड में, जो डिपॉजिट TDS करवाया था वो वापिस रिफंड होता है, ठीक है? ये होता है TDS। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका ले सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। दोनों का। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, टैली में। जो TDS टैक्स है वो कौन सी टैली में होगा? ERP 9 में। कौन सी में होगा? ERP 9 में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या है, टैक्सेशन शो हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा अनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स TDS। इसको हम करेंगे यस। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमें मिलेगा सेट एल्टर TDS डिटेल। कौन सा मिलेगा? सेट एल्टर TDS डिटेल, यस। हमने क्या किया, दो फीचर हमारे पास, दोनों को यस किया है। दोनों को यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे कंपनी TDS डिड्यूकेटर डिटेल आ जाएगी। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, टैक्स एसेसमेंट नंबर। यहाँ पे हमें क्या है, एसेसमेंट का नंबर डालना है। उसके बाद हेड ऑफिस टैक्स एसेसमेंट नंबर, हेड ऑफिस का एसेसमेंट नंबर, इनकम टैक्स सर्कल वार्ड नंबर, डिड्यूकेट टाइप। इसमें क्या है, गवर्नमेंट पे है या फिर अदर पे, तो हम यहाँ पे कैसे किसको सिलेक्ट करेंगे, अदर। अदर को सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन में हमने डाल दिया राम। यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी हैं वो हम डालेंगे। यहाँ पे हमने डॉटर ऑफ, ये सन ऑफ डाल दिया। इस बाद हम करेंगे कंट्रोल प्लस ए से। देखो एक बार तो हमने सेव कर दिया, अब क्या है, दोबारा फिर टैक्सेशन को हमें सेव करना है। कंट्रोल ए,
कंट्रोल ए से हमने सेव किया, एस्केप बटन प्रेस करो, कर्सर आ जाएगा हमारा गेटवे ऑफ टेली पे। किस पे आ जाएगा? गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करनी है। ALC, ALC की फुल फॉर्म होती है A से अकाउंटिंग इन्फो, L से लेजर, C से क्रिएट। नेम हमने यहाँ पे डाल दिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो नेम में हमने क्या डाला है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा TDS। हम क्या करेंगे, TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे। TDS एप्लीकेबल यस, TDS को यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे लिस्ट ऑफ TDS आ जाएगी, लिस्ट ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट। और यहाँ पे इधर क्या आएगा, डिफॉल्ट नेचर ऑफ पेमेंट। इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। क्या सिलेक्ट करना है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमने डाल दिया फोन एजेंसी, नेम में हमने क्या डाल दिया, एजेंसी अंडर सेंड्री क्रेडिटर। अंडर में हम किसको सिलेक्ट किया है, सेंड्री क्रेडिटर। इसके बाद हम करेंगे TDS को यस, TDS यस, TDS को यस करने के बाद एंटर प्रेस। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेडिकेट टाइप। क्या आएगा, डेडिकेट टाइप। डेडिकेट टाइप में हमें क्या सिलेक्ट करना है, इधर इसमें राइट में देखो लिस्ट ऑफ डेडिकेट टाइप आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। किसको सिलेक्ट करना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बाद कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए से सेव किया। एक हमने यहाँ पे बना दिया TDS। TDS क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्स, टैक्स है। तो यहाँ पे अंडर में हम क्या लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। ड्यूटीज एंड टैक्स लेने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी, टाइप ऑफ ड्यूटी में हमने सिलेक्ट किया TDS, टाइप ऑफ ड्यूटी TDS। इसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में किसको सिलेक्ट करेंगे, पीछे हमने क्या सिलेक्ट किया था, देखो राइट में लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट। इसमें हमें किसको सिलेक्ट करना है, पेमेंट को। कौन सा ऑप्शन, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर 194C। अब ये देखो 194C क्या है, फॉर्म का नेम है। कौन से फॉर्म का, जो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्म है एडवर्टीजमेंट का, उस फॉर्म का क्या नाम है, 194C। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। नेक्स्ट हमने डाल दिया SBI। SBI क्या है, बैंक। नेम में SBI अंडर बैंक अकाउंट सेव। अब देखो यहाँ पे हमने कौन कौन सा लेयर क्रिएट किया है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, फोन एजेंसी, SBI, TDS। अब जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं वो हमें चेक करना है। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर, एल्टर। अब देखो एल्टर का यूज किस लिए किया जाता है, अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एल्टर का।
अब ये देखो नेम ऑफ लेजर, यहाँ पे लेजर नेम आ जाएंगे। किसमें चेंज करना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज में करना है या फिर लोन एजेंसी में करना है या फिर टीडीएस में करना है, एसबीआई में करना है। दो लेजर इसके अंदर पहले से बने होते हैं, कौन कौन सा, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कौन कौन से होते हैं पहले, कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसमें चेंज करना है उसी को ओपन करो, यहाँ हम चेंज कर सकते हैं अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो। इसके बाद अब हमें वाउचर एंट्री करनी है। वाउचर एंट्री किसमें करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर F7। F7 कौन से वाउचर की शॉर्टकट है, जनरल वाउचर की। कौन से वाउचर की है, जनरल वाउचर। यहाँ पे देखो इसमें पहली एंट्री किसकी होती है, जनरल में पहली एंट्री होती है डेबिट की, दूसरी जो एंट्री होती है वो डेबिट क्रेडिट कोई भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेबिट में सिलेक्ट किया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डेबिट की वैल्यू डाल दी 90,000। डेबिट की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी डाली है, 90,000। डेबिट की वैल्यू डालने के बाद एंटर। देखो जैसे ही हम क्या है एंटर प्रेस करेंगे, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हमें किसकी डिटेल डालनी है, टीडीएस की। टीएस की कौन सी डिटेल, नेचर ऑफ पेमेंट की। अब देखो नेचर ऑफ पेमेंट हमने पीछे क्या लिया था, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो वही क्या है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो हमने पीछे लिया था वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया हमने, एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने के बाद सेव। इसके बाद क्रेडिट। क्रेडिट में हमें किसे सिलेक्ट करना है, जो हमने क्रेडिट बनाया था उसे। क्रेडिट क्या बनाया था, फोन एजेंसी। अब हमें फोन एजेंसी को चेक करना है, हमने क्रेडिट बनाया था या डेबिट बनाया था। गेटवे ऑफ टेली पे आओ, ALA, यहाँ पे चेक करो क्या बनाया हमने, क्रेडिट। वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे। क्रेडिट में हमने किसको सिलेक्ट किया है, फोन एजेंसी। देखो जैसे हमने फोन एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया, तो देखो एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, रेफरेंस आ जाएगा, क्या टाइप ऑफ रेफरेंस। इसमें हम किसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। नेम, कौन से वाउचर में एंट्री की है, जनरल वाउचर में। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में क्या होगा, जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट किया है उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट किया था, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद ये देखो टीडीएस ड्यूटी लेजर, इसमें क्या आ जाएगा, टीडीएस। उसके बाद अमाउंट, डिडिकेट नाउ, इसमें क्या आएगा, यस टीडीएस का अमाउंट कितना है, 18,000, और पे अमाउंट कितना हो गया अपना, 72,000। इनकम टैक्स कितना लगा है, देखो नीचे डिटेल दिखाएगा, इनकम टैक्स कितना लगा है, 20%, और सरचार्ज 0, एजुकेशन केसेज 0, सेकेंडरी एजुकेशन केसेज 0, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सेव। देखो सेव करने के बाद जैसे ही हम वाउचर में आए, दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, टाइप रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या आएगा, न्यू रेफरेंस। ड्यू डेट, ये हमें डेट मेंशन करनी है। डेट हमने कितनी डाल दी, 1 अप्रैल, क्योंकि पीछे हमने जो कंपनी बनाई थी उसमें भी हमने यही डेट रख रखी है। एंटर। इसके बाद टाइप ऑफ रेफरेंस, एडवांस। सेव करेंगे। क्रेडिट में टीडीएस। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल ए से हमने इसको सेव किया। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद अब हम इसको चेकआउट किस में करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद
डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट टीडीएस रिपोर्ट कंप्यूटेशन। यहाँ पे क्या है कंप्लीट अपना टीडीएस जो कटा है कितना कटा है 18,000 कितने परसेंट वो भी हमें देखना है कि कितने परसेंट कटा है। यहाँ पे दिखाएगा देखो रेफरेंस नंबर क्या है नेचर ऑफ पेमेंट क्या था रेट क्या कितने परसेंट है सप्लायर नेम क्या है अमाउंट क्या है टैक्स क्या है उसके बाद बैलेंस टू बी पेड कितना है अपना। तो ये था अपना टीडीएस का टैक्स। अब किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो दोबारा पूछते हो जो हमने आज टॉपिक किया है टीडीएस का। हेलो नमस्ते मैम, मैम एक बार स्टार्टिंग से बताना। स्टार्टिंग से पीपीटी वाला? हाँ जी मैम, स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं हुआ जल्दी। ये थी थ्योरी। स्क्रीनशॉट ले लो इनका। दोनों का? हाँ जी मैम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कंपनी क्रिएशन करेंगे F11 F3 टीडीएस को यस करना है। दोनों फीचर को यस करेंगे। दोनों को यस करने के बाद एंटर। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ पूछना हो? रेखा 4185 रोल नंबर। यस मैम। हाँ पूछना कुछ? यस मैम। हाँ बताओ मैम। वो क्रेडिट की थी ना एंट्री वो लास्ट। हाँ क्रेडिट की मैम। क्रेडिट की कौन से वाली? एक तो लेजर रिएक्शन वाली की थी हमने लास्ट में की लेजर्स। डेबिट में किसको लिया हमने? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को। इसके बाद अमाउंट फिल कर दिया एंटर प्रेस किया तो नेचर ऑफ पेमेंट पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे हमें क्या करना है इसको सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ पेमेंट को। इसमें को सिलेक्ट करना है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर एंटर सेव करना है। इसके बाद एडिट में सेलेक्ट करना है फोन एजेंसी क्रेडिट बनाया था ना उसको। टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस नेचर ऑफ पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस डेट ड्यू डालनी है यहाँ पे एडवांस डेट मेंशन करनी है यहाँ पे भी। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्रेडिट था उसमें हमें टैक्स को सिलेक्ट करना है कौन सा टीडीएस को। इसके बाद एंटर करके हम करेंगे इसको सेव। गेटवे ऑफ टैली डी ओ
टी सी, इसे हम क्या है चेक कर सकते हैं। अब आ गया समझ रेखा? हाँ भाई, और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।